पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय वशिष्ठ भाई, यहाँ उपस्थित पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, सभी सम्मानित माननीय मंत्रीगण और आप सभी पत्रकार साथी, आज आदरणीय वशिष्ठ भाई ने जनता दल यूनाइटेड के हिस्से में जो 16 सीटें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के द्वारा मिला था, वो 16 सीटों के लिए सूची जारी कर दी। एक तरफ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में आप लोगों ने देखा कि सीट बंटवारे से लेकर उम्मीदवारों के चयन तक कोई परेशानी नहीं, पूरी एकजुटता, पूरी सहमति। और दूसरे तरफ आप सभी लोग देख रहे हैं कि महागठबंधन में सिर्फ फुटौल, कौन कोई सिंबल लेके भाग रहा है, कोई टिकटें लेके भाग रहा है, कोई कुछ भाग रहा है। ये हालत अगर चुनाव के पहले सीटों के बंटवारा का है तो चुनाव के बाद क्या होगा? तो इसलिए और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का लक्ष्य है, पिछले 2019 के चुनाव में हम लोग 39 सीट जीते थे, इस बार हम लोग जो एक सीट हार गए थे उसको भी जीतेंगे। और इस बार हम लोग का लक्ष्य 40 का 40 सीट का लक्ष्य है। और फिर से इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बनाने के लिए बिहार की जनता का समर्थन प्राप्त। आप सबको मालूम है कि नीतीश कुमार जी ने पिछले 18-19 वर्षों में जो काम किया है उस काम के प्रति आज भी बिहार की जनता का आकर्षण का केंद्र आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार की जनता का व्यापक जन समर्थन है। और उस जन समर्थन के बल पर फिर से हम लोग 40 का 40 सीट जीतेंगे, जीतेंगे और हर हालत में जीतेंगे, ये हम लोग को पूर्ण विश्वास है।